गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ कोर कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई। इसमें छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष विनोद चंद्राकर, महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। देश में 7 साल बाद होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में इस साल 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें योगा, मलखंब, खो खो, कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल भी शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से भी इसमें भाग लेने के लिए 22 खेलों के खिलाड़ी शामिल होंगे। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की सहभागिता और आयोजन को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की कोर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और विधायक विनोद सेवन चंद्राकर और संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के मद्देनज़र बैठक ली गई है। गुजरात में जो होने वाला नेशनल गेम्स है उसके परिप्रेक्ष्य में ओलंपिक संघ की बैठक हुई जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और हमारे जो 22 गेम्स है उसके लिए खिलाड़ी भेजने के लिए चर्चा हुई और सभी डायरेक्टर ने मिलकर एकमत होकर फैसला लिया है कि आगामी दिनों में जो तैयारी करनी है उसके लिए भी तैयारी के लिए भी बात हुई, बजट भी चर्चा हुई और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। हमारे खिलाड़ी जाएंगे और मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं हमारे बच्चों को जो आगे जा रहे हैं और हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के सम्मानित उपाध्यक्ष चंद्राकर जी, विधायक महासमुंद के नेतृत्व में आज बैठक हुई जिसमें नेशनल गेम गुजरात में जो होने जा रहा है उसके लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय चंद्राकर जी के निर्देश पे सारी बैठकों का संचालन उनके नेतृत्व में हुआ। बहुत सारे निर्णय लिए गए जो खेल हित के हैं और मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य की टीम बहुत सारे मेडल लेके वहाँ से लौटेगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।